तो चलिए आज हम देखते हैं कर्नाटका में आया हुआ शिमोगा शहर के बारे में, जो एक काफी खूबसूरत शहर है। मध्य कर्नाटक में तुंगा नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत शहर शिमोगा है। शिमोगा में सुंदर पर्यटन स्थल आए हुए हैं। ये शहर हरे भरे परिदृश्य, नारियल के ताड़ के पेड़ और कई सारे झरनों से घिरा हुआ है। शिमोगा समृद्ध परंपराओं, ललित कला और संस्कृति के साथ एक धार्मिक इतिहास है। कुवेंपु रंग मंदिर और कर्नाटका संघ और नवनिर्मित सुवर्ण संस्कृत भवन सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए शहर के प्रमुख स्थान है। केलाडी शासकों ने शहर का नाम शिमोगा, जिसका मतलब होता है शिव का चेहरा, ये नाम रखा क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि भगवान शिव ने तुंगा नदी का पानी पिया था, इसलिए इस शहर का नाम शिमोगा रखा गया है। इस शहर का निर्माण केलाडी शासकों ने लगभग 1600 ईस्वी में शिवप्पा नायक के नेतृत्व में किया था। शिमोगा को भारत में पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में भी नामित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पहाड़ियाँ और पहाड़ियों से लुभावने वाले दृश्य शामिल हुए। ये शहर पहाड़ियों के बीच आया हुआ काफी खूबसूरत शहर है। शिमोगा में अन्य चीजों के बीच शांत और शांतिपूर्ण मौसम के साथ ताजा झरने, प्रकृति का निश्चित रूप से आनंद लिया जा सकता है। यहाँ की शांति कई पर्यटकों यहाँ की ओर आकर्षित करती है। अपने प्रिय या अपने परिवार के साथ इस अद्भुत शहर की यात्रा करें, क्योंकि यह सभी के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। अगर आपको वेकेशन या वीकेंड में शांति वाली जगह पर जाना है या तो फिर प्रकृति के बीच रहना है, तो आपके लिए यह जगह बेस्ट है, क्योंकि ये जगह एकदम शांत और प्रकृति के नज़ारों से घिरी हुई है। राज्य की राजधानी बेंगलोर से शिमोगा तक नेशनल हाईवे 206 द्वारा सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। KSRTC, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, हाईटेक और रात की सेवाओं सहित बेंगलोर से कई बसें चलती है जो शिमोगा तक पहुंचाती है, जो बेंगलोर से लगभग 273 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। शिमोगा सभी दिशाओं से सड़क मार्ग से बेहतर ढंग से जुड़ा हुआ है, तो आप कहीं से भी यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। आप यहाँ से कोड़ाचाद्री, चौक फॉल्स, होनेमाराडू, केलाडी टेम्पल जैसी जगह भी देखने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जगहें हैं। ये शहर अपने पहाड़ों और झरनों के काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखाता है। ये तो थी शिमोगा की जानकारी के बारे में बात। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। अगर आपको बाय एयर जाना है तो यहाँ से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट मैंगलोर एयरपोर्ट है, जो करीब 195 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। और अगर आप बाय ट्रेन जाना पसंद करते हैं तो शिमोगा शहर में अपना ही खुद का रेलवे स्टेशन है, जो शिमोगा नगर रेलवे स्टेशन से जाना जाता है। या तो फिर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो शिमोगा शहर चारों ओर से काफ़ी अच्छी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा? अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पर जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होगा। बारिश का मौसम जून से अक्टूबर के करीब शहर में आता है और उस जगह को स्वर्ग में बदल देता है, जो पूरी तरह से स्फूर्तिदायक और अंकुरित हो जाता है। शिमोगा एक काफ़ी खूबसूरत शहर है। आप कभी कर्नाटका में घूमने जाओ तो शिमोगा तक ज़रूर जाना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह जगह कैसी लगी, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सी जगह पर चाहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।